तो क्या होता है, दिमाग स्लो हो जाता है। एक दो मूवी कम देख लेना, चार पांच कचोरी कम खा लेना, तो वो सब बंद करो पढ़ते पढ़ते क्या होता है। और अगर आपका थॉट प्रोसेस फिर भी भागता है तो फिर आपसे गलतियां चालू हो जाती है, क्योंकि दिमाग तेज दौड़ रहा होता है। और कितने लोग लेकर आते हैं रफ रजिस्टर? बहुत सारे लाते हैं, इधर वाले लाते नहीं क्योंकि उनको डर लग रहा हाथ खड़ा करने में, नज़दीक है ना मेरे, आप तो बहुत लाते हो। तो हम एक रफ रजिस्टर लेकर आते हैं। आप सच बोलिए, डॉक्टर से सच छुपाओगे तो तबीयत कभी ठीक नहीं होगी, रूल है। सच बता दो कि सर ये गलती करते हैं तो करते हैं, गलती नहीं कर रहे हो। रफ रजिस्टर होता है मार्केट में, आता है इतना मोटा सा, सस्ता सा, काले काले कागज होते हैं उस पर, अगर एक पेपर पे लिख दो तो तीसरे पेपर तक इंप्रेशन आ जाता है, ज़्यादा ज़ोर से लिख दो तो ऐसी हालत होती है उस पेपर की, है ना, उस पर पेन भी ढंग से नहीं चलता। मैं तो उसको बैन करके रखता हूँ, वो वाला रजिस्टर कभी यूज़ नहीं करना है किसी भी काम के लिए, क्योंकि वो आपकी स्पीड स्लो करता है। आपको पता है, आपने कभी सोचा नहीं होगा, आपको लगता है अरे सस्ता रजिस्टर है, सस्ता है तो मिलता है यार, साला ये लेके चलो, कागज़ तो कागज है, लिखना ही तो उसके ऊपर। मैं बताता हूँ क्या प्रॉब्लम होती है उसके ऊपर। आप जब लिखते हो ना तो कागज़ फटता है, तो आप क्या करते हो, स्लो लिखते हो, धीरे लिखते हो, भाई फटे नहीं, तो क्या होता है, दिमाग स्लो हो जाता है, दिमाग स्लो हो जाता है, आपकी जो पेस है वो स्लो होने लग जाती है, क्योंकि देन यू बिकम स्लो इन राइटिंग, देन यू बिकम स्लो इन थिंकिंग ऑल्सो। और अगर आपका थॉट प्रोसेस फिर भी भागता है तो फिर आपसे गलतियां चालू हो जाती है, क्योंकि दिमाग तेज दौड़ रहा होता है और उस कागज पर पेन स्लो, तो कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाता है माइंड का और हैंड का। साइंस है, मैं साइंस शेयर कर रहा हूं, मेरी पूरी जिंदगी का निचोड़ बता रहा हूं आपको। स्लो हो जाता है, जब मैं जेई की तैयारी कर रहा था ना, जिस जमाने में 1988-89 की बात कर रहा हूं आपसे, उस जमाने में मैंने बैन कर रखा था रफ रजिस्टर अपने पास, मतलब उस तरह का कोई भी कागज। आई यूज टू राइट ऑन द गुड पेपर ऑलवेज, अच्छे पेपर पे लिखता था मैं हमेशा, और आई यूज टू यूज ऑलवेज गुड पेन, वो पेन हो लिखा, अरे यार ये क्या है, फिर फूंक मार मार के ये क्या है यार, फेंक दो उसको। आप बोलोगे खर्चा बता रहे, कोई खर्चा नहीं है। साल भर में अगर 100 रुपये के पेन उड़ाओगे तो 500 उड़ा दोगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे। एक दो मूवी कम देख लेना, चार पांच कचोरी कम खा लेना, फर्क नहीं पड़ता उससे कुछ भी, पर वो सब बंद करो पढ़ते पढ़ते क्या होता है, यूँ करके गुस्सा आ रहा है, मूड का पूरा दिमाग खराब हो गया ना।